चपेट में आने से 45 वर्षीय मंद बुद्धि व्यक्ति की मौत हो गई। मथुरा के राया थाना क्षेत्र के अंतर्गत पिरसुआ निवासी 45 वर्षीय व्यक्ति की मंगलवार देर रात्रि को ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने बताया कि मृतक व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त था, जिसे पिछले माह से उपचार चल रहा था। देर रात्रि को घर से निकल आया। सुबह परिजनों को पुलिस द्वारा सूचना मिली कि ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई है। वहीं परिजनों ने थाने पहुंचकर पुलिस से किसी भी प्रकार की कार्यवाही न करने की मांग की। अमित अग्रवाल, मथुरा समाचार 24। आपका क्या नाम है और ये क्या घटना हुई है? मेरा नाम उमेश कुमार कौशिक है, मैं सोशल वर्कर हूँ इस एरिया में। गांव पिरसुआ के एक निवासी थे जो कि 10 साल से मानसिक रूप से बीमार थे। आज वो सुबह किसी कारण वह घर से निकल गए और किसी पता नहीं किसी समय ट्रेन की चपेट में आ गए, जो कि मालगाड़ी थी, और उसके कारण उनकी मौत हो गई। ये परिवारजन थाने राया थाने में आए हुए हैं और ये किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं चाहते। पुलिस ने जाके वहाँ पर देखा और पुलिस को इन लोगों ने, गांव के जो लोग हैं, इन लोगों ने बताया कि ये आदमी मानसिक रूप से बीमार थे और ये लोग कोई कार्रवाई नहीं चाहते, इसके लिए थाने आए हुए थे। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो उनकी जो ट्रेन की चपेट में आने से मृत्यु हुई है, उनकी उम्र और उनका नाम। नाम तो मुझे नहीं पता है, उनकी उम्र लगभग 45 वर्ष थी। उनके भाई हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, पापा हैं, सब कुछ है परिवार में। पति कई सारे हॉस्पिटलों में उनका इलाज चल रहा था और मानसिक रूप से ज़्यादा ही बीमार थे। नाबालिग को